शांति। आज की तारीख है 21/4/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे हरेक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है जिसे योग बल से ही चुकतु करना है। प्रश्न है बाप समान किस बात में साक्षी बनना है। उत्तर है जैसे बाप को ध्यान से सुने आप सभी, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। दूसरा भले कोई बीमार भी पड़ता कुछ भी होता तो भी बाबा साक्षी होकर उसके पार्ट को देखते हैं। तो बाप साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो नहीं तो दुखी हो जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हरेक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। गीत बजा है ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक है सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रह बल लेना है। नंबर दो है सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा सन्यास करना है। सन्यास का मतलब ये नहीं, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा सन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान मीठे मीठे सतगुरु बाप दादा का मास्टर नॉलेजफुल बन 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने यह विशेष बात जान ली है कि इस अंतिम जन्म में ही हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। स्लोगन है अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।